कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव सागर मेहरा ने कहा कि टपका सिंचाई प्रणाली को अपनाकर किसान जहां पानी की एक एक बूंद को बचा सकता है, वहीं कम खर्चे पर अधिक उपज भी ले सकता है। इसका प्रयोग पिहोवा में काडा विभाग के सूक्ष्म सिंचाई पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से कुरुक्षेत्र के 393 ग्राम पंचायतों को प्रेरणा लेकर धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। संयुक्त सचिव सागर मेहरा ने पिहोवा में काडा के सूक्ष्म सिंचाई पायलट प्रोजेक्ट और अंबाला रोड पर ड्रेन के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी का निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले संयुक्त सचिव सागर मेहरा और उपायुक्त डॉक्टर एसएस फुलिया ने सबसे पहले गुमथला गढ़ू में प्रगतिशील किसान कर्ण सिंह चट्ठा के फार्म हाउस पर काडा के सहयोग से स्थापित किए गए सूक्ष्म सिंचाई पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के तहत की जा रही सिंचाई का बारीकी से अवलोकन किया। वहीं स्कूलों में व्यर्थ पानी को जमीन की तह तक ले जाने के लिए पीटस भी बनाए जाने की बात कही। जुलाई से देश में जल संरक्षण के लिए, जैसा कि आप जानते हैं जल ही जीवन है, उसके लिए जल अभियान स्टार्ट किया है। यह 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा और इसके लिए देश में 256 जिलों को चुना गया है जिनमें वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है और उसके तहत ही हम लोग यहाँ आए हैं और मेरी पूरी टीम है जिसमें टेक्निकल ऑफिसर्स भी शामिल हैं। और इस समय हम पिहोवा में एक दौरे पर हैं जिसमें हम लोग जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न उपायों का निरीक्षण कर रहे हैं और मेरे साथ हैं जिले के उपायुक्त। हम लोग संयुक्त रूप से विभिन्न जगहों पर जाकर देख रहे हैं कि कैसे हम लोग विभिन्न तरीकों से जल सुरक्षा और जल संरक्षण के कार्यों को अंजाम दे सकते हैं।